दोस्तों आज बात करेंगे इंटरेस्टेड विटनेस की कितनी अहम भूमि होती है केस में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंटरेस्टेड विटनेस है, मान लीजिए रिश्तेदार, भाई बंध, माता पिता आपके फैमिली मैटर में गवाही देते हैं, तो उनकी कितनी कोर्ट में वैल्यू होती है, कितनी कोर्ट में वैल्यू नहीं होती है, आज बात करेंगे इन इंटरेस्टेड विटनेस पे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। एक बार दोस्तों कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टू टाइप्स के विटनेस होते हैं, आपको दो तरह की गवाही होती है, एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र गवाह हो गए, एक तो एक इंटरेस्टेड विटनेस जो आपके कोई रिलेटिव वाले हो गई। पति के भी तरफ से भी इंटरेस्टेड विटनेस हो सकता है, पत्नी की तरफ से भी इंटरेस्टेड विटनेस हो सकते हैं। दोनों के बारे में मैं डिटेल एक कंबाइंड वीडियो बता रहा हूँ कि कितनी अहम इनकी भूमिका होती है केस में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए इसे पति पत्नी का मैटर है, पत्नी के साथ क्राइम कहाँ पर घटा है, ससुराल में, और उसके इंडिपेंडेंट विटनेस जो बनेंगे वो बनेंगे आपके ससुराल फैमिली से कोई भी, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी जो पत्नी है उसके ससुराल की तरफ, मतलब पति के घर की तरफ से। लेकिन मान लीजिए उस घटना में, उस जो घटना घट रही है उसमें जो विटनेस बन रहे, गवाह बन रहे, वो पत्नी के माता पिता जो देखे नहीं थे उस घटना को, उसका भाई, उसके रिलेटिव कोई भी, अगर वो उसकी गवाही देती तो वो इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वो आता है इसमें, स्वतंत्र गवाह वो होता है कि जो अगर पत्नी के साथ जैसे मारपीट हुई ससुराल में, उसके पति ने किया, उसकी सास ने, कोई ने भी किया होगा, तो उनका जो क्राइम सीन देखा है, उनके साथ जो प्रताड़ना हुई है, उसको कोई अड़ोसी पड़ोसी देखा हो, या उसी के कोई ऐसा विटनेस हो फैमिली से, उसके ससुराल की फैमिली में, जो उनका सपोर्ट कर सके, ये विटनेस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र विटनेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? देखो, इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं स्वतंत्र, तो जाहिर बात है कि आपका केस बहुत लॉस में जा सकते हो। अगर आपके खिलाफ इंडिपेंडेंट विटनेस है तो फिर आपको बचाना, उनको फाइट करना काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टेड विटनेस है तो कोर्ट की नज़रों में जो इंटरेस्टेड विटनेस, ऐसा नहीं कि उनकी गवाही मानी नहीं जाती, डेफिनेटली मानी जाती है, कोर्ट में वो गवाही देने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं उनका अहम रोल ये होता है, उनका इंटरेस्ट ये है कि इसको क्लाइंट जो एक्यूज्ड है उसको सजा ही दिलाना है। ठीक है, जबकि वो उस क्राइम को देखे भी नहीं, उस सीन को देखे भी नहीं, कथित तौर पे बिना जाने, बिना पहचाने, बिना क्राइम को देखे हुए उनको वह लोग सजा दिलाना चाह रहे ज़बरदस्ती। इंटरेस्टेड विटनेस वह जिससे उसकी लड़की के पिता हो गए, माता पिता हो गए, लड़के की तरफ से भी अगर लड़की पे कोई केस हो रहा तो उनके माता पिता भी होते, वो भी इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट है, जो टारगेट है कुल मिलाकर लड़के को, पति को सजा दिलाने का ही है, उनका इंटरेस्ट यही है। तो इनकी ज़्यादा कोर्ट इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि कोर्ट इनको ये भी कहा जाता है कई बार, अगर आप इंटरेस्टेड की जो विटनेस होते हैं फैमिली वाले, इनका क्रॉस फाइट एग्जामिनेशन लोगे कोर्ट में कभी, अगर आप एक एडवोकेट है तो इनसे टारगेट पूछा जाएगा हमेशा कि भाई तुम लोग पहले क्या फैमिली तौर पे इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, क्या आप इस क्राइम को देखे हैं, क्या आप वहाँ पे रहते थे, तो उनके उल्टे सीधे जवाब आते हैं। ठीक है, जो गवाही देते हैं लोग, जिनके उल्टे सीधे जवाब आते हैं, प्रॉपरली जवाब नहीं आ पाते हैं, तो इस वजह से कोर्ट इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं समझता है, ऐसा नहीं है, समझता नहीं बिल्कुल ही, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, इफ़ यू समथिंग थोड़ा सा। ठीक है, अगर अच्छा वकील होता है, अच्छा एडवोकेट होता है, तो इनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन लेता है तभी इनको खारिज करा देता है, क्योंकि इनका टारगेट ही यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ साबित करनी पड़ती है कि भाई जो इंटरेस्टेड विटनेस है वाकई रियल में इनका टारगेट ही एक एक्यूज्ड को सजा दिलाने का ही है। ठीक है, वो यही चाह रहे हैं, उनका मकसद डायरेक्टली यही है कि इंटरेस्टेड विटनेस होते हुए वो उसको सजा दिलाना चाह रहे हैं, तो इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, इनको ज़्यादा कोर्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, खारिज भी कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्टेड विटनेस का ये पहला ड्यूटी, कर्तव्य बनता है कि आपने कितना इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है इस मैटर में, कितने आपने सामाजिक तौर पर जो भी अपना लेवल है इस लेवल पर कितना ख़त्म करने की कोशिश की है। इस वजह जब भी आपका कोई केस होता है तो इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा खतरा आपको केस जीतने में होगा। इंडिपेंडेंट विटनेस की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, जो इंटरेस्टेड विटनेस होती है उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है केस में हमेशा।
इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं जो एक रिलेटिव आपके होते हैं, जो आपके फैमिली वाले माता पिता भाई ये लोग होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट विटनेस में कोई भी आ सकता है स्वतंत्र, जो उस क्राइम को देखता है। अगर वो आपके कोर्ट में गवाही देता तो फिर आपका केस स्ट्रॉन्ग पड़ जाता, आपके अगेंस्ट चला जाता आपका केस। तो आई होप दोस्तों आपको जो डिफरेंट था जो इजीली वे में मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में छोड़ दिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।